सो वेलकम टू बीएचयू पार्ट साला। तो जैसा कि आपको पता है हमारे बहुत सारे लेक्चर चल रहे हैं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर चल रहे हैं सर, केमिस्ट्री का लेक्चर मैंने दे रखा है, लेकिन कमेंट पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर प्लीज सर बोर्ड के लिए कुछ लेकर के आओ, सर बोर्ड के लिए कुछ लेकर के आओ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं सर, बोर्ड के लिए मैं आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। जी हां, आप पढ़ सकते हो यहां पर क्या लिखा है सर, बोर्ड का दर्द खत्म। हाँ जी, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो सर, बोर्ड का दर्द खत्म होने जा रहा है आपके लिए। सर ये कैसे, क्योंकि हमने एक सीरीज लॉन्च कर दी है सारे 12th स्टूडेंट के लिए, जितने भी नीट जेई स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हो, हमने अपना सीरीज नया लॉन्च कर दिया है सर, रैंडम सीरीज फॉर ऑल 12th स्टूडेंट सीयूटी नीट जेई फॉर स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट सबके लिए हमने एक सीरीज लाई है सर, उसको बोलते हैं सर रैंडम सीरीज। सर इसमें आप कराने क्या वाले हो सर, इसमें हम बहुत सारी चीजें बताएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी फॉर्मूले होंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूं जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता दूंगा, जिस फॉर्मूले को मैं आपको बता दूंगा, वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लिख कर ले लो। तो सर आइए स्टार्ट करते हैं, और ये मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं, ये भी साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर चलेगा वंदे भारत ट्रेन की तरह चलेगा, एकदम एक्सप्रेस में चलेगा। तो क्योंकि सर जनवरी का मंथ चल रहा है, सर जनवरी का मंथ चल रहा है और फरवरी में आपके पेपर है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं आपने पूरी दमखम दिखाकर पढ़ाई की होगी, आपने सब कुछ पढ़ा होगा। तो ये लेक्चर मेरा जोश आपको पता है हमेशा हाई रहता है, तो ये लेक्चर एकदम फुल स्पीड में चलेगा, फुल एकदम बहुत ही हाई स्पीड में चलने वाला है। तो किसी को ये नहीं बोलना है सर एकदम धीरे बोलो, जिसको देखना होगा 0.5x पे कर लेगा, लेकिन मेरा जोश ऐसा ही रहेगा क्योंकि आपको एकदम रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पहला लेक्चर रैंडम सीरीज का। सर मैं इस पे बताने जा रहा हूं जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, मैं लिख कर दे रहा हूं कि वो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताई थी सर, सर फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। सर फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। सर फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। सर ये लेक्चर मैंने आपको दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इस पर सवाल आएगा, आप लिख करके ले लो, कोई भी स्टूडेंट हो आप कंप्यूटर की तैयारी करो, इस पर सवाल आएगा, आप लिख कर ले लो। सर फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है सर, ये मुझे आता है सर, कूलम्स लॉ होता है सर, मुझे पता है सर, इस पर सवाल आएगा तो मैं बना लूंगा, और मुझे भी पता है कि आप जोश में रहते हो, पहले आप 12th में जाओगे, मुझे भी पता रहता है कि आप जोश में रहते हो, ये आपको आता है और सबको आता होगा, ठीक है सर, इस पर सवाल आएगा बता दिए। सर एक फॉर्मूला आता है E is equal to F by Q फॉर्मूला आता है। हाँ सर, इस पर सवाल पूछता है सर, एक नंबर पे पूछता है, कंपटीशन प्रेशर, बोर्ड का प्रेशर इतना ज्यादा हाई रहता है कि एक नंबर का ये फॉर्मूला भूल जाता है आपके दिमाग से, और इस पर सवाल देखा गया है, ठीक है सर। सर इसके साथ साथ एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सेलरेशन टर्म आता है, एक्सेलरेशन उससे आपका फॉर्मूला पूछता है, उससे आपसे फॉर्मूला पूछेगा सर ये होता क्या है, एक्सेलरेशन कैसे निकाले। अभी मैं आपको बताता हूं सर, मैंने बोला सर E is equal to F by Q, सर मैंने बोला क्या बोला सर, E is equal to F by Q, F is equal to QE, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है सर। सर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और सर इधर क्यू ई, सर इसको इधर लाते हैं, सर एक्सेलरेशन को इधर ही रखते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, क्यू ई बाई एम। सर मैंने आपसे क्या बोला, सर E इज इक्वल टू F by Q, सर F is equal to QE, सर फोर्स क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन, सर फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सर इधर क्या लिखा है, QE, सर एक्सेलरेशन क्या होगा, सर QE by M। कितनी आसानी से मैंने बता दिया, आप भूल जाते हो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का सर, क्यू ई बाई एम, आप फॉर्मूला भूल जाते हो, आपको भूलना नहीं है, आपको डेराइव कर लेना है। सर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू ई बाई एम, सर इसको क्यू के जगह क्यू ई बाई एम, सर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू बाई एम, क्यू ई बाई एम, सर ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं है, बिल्कुल आप ऐसा देखते हो, आप कैसे देखते हो मैं बताता हूं आपको, सर ई बाई एम, हाँ सर ऐसा मैंने देखा था, ऐसा नहीं देखा था, ऐसा आपने ये देखा, क्यू वहां पे चार्ज है,
और Q को बोलते हैं सर E, इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमता रहता है। तो मेरे सामने क्या आ गया सर, मेरे सामने क्या आ गया सर, एक्सलेशन का फॉर्मूला आ गया सर, E by m, जो कि आप करेंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो। इस पर भी सवाल देखा गया है। मैंने डेराइव करके बता दी। इस पर भी सवाल देखा गया है, ठीक है सर, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। सर एक चीज बताती हूँ आपको, मेरा दिल बोल रहा है कि आपके पेपर में सर्किट का सवाल आने जा रहा है, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है कि सर्किट पर सवाल बनता है, रजिस्टर में दिया है, पैरेलल में दिया हुआ है, रजिस्टर में दिया हुआ है, कैपेसिटर इन सीरीज दिया है, कैपेसिटर इन पैरेलल दिया हुआ है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सवाल आएगा सर। सर कैसे आएगा? सर रजिस्टर इन सीरीज और सर रजिस्टर इन पैरेलल, इस पर सवाल आने जा रहा है। सर रजिस्टर इन सीरीज, 10th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो, हर जगह पढ़े हो सर, मैं भूल जाता हूँ, कैसे भूल जाता हूँ ये देखो। सर रजिस्टर इन सीरीज R1 + R2, सर रजिस्टर इन पैरेलल 1/R1 + 1/R2, सर रजिस्टर इन सीरीज R1 + R2, सर रजिस्टर इन पैरेलल 1/R1 + 1/R2, इस पर सवाल आएगा बिल्कुल आएगा। सर अगर इस पर सवाल नहीं आया तो किस पर आएगा? अगर सवाल इस पर नहीं आया तो कैपेसिटेंस पे आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक सवाल आना निश्चित है, तय है, बिल्कुल आएगा। ठीक है सर, कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल। सर ये मैं भूल जाता हूँ सर, 4 है सर सीरीज पैरेलल, सर फिजिक्स पहले ही से कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से और कॉम्प्लिकेटेड मत करो, उसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीके बता रहा हूँ। सर मैंने आपको क्या बताया? रजिस्टर इन सीरीज और रजिस्टर इन पैरेलल, R1 + R2, ठीक है सर। सर कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल, जो सीरीज का है उसको पैरेलल कर दो और जो पैरेलल का है उसको सीरीज कर दो। सर जो सीरीज का है उसको पैरेलल कर दो और जो पैरेलल का है उसको सीरीज कर दो। सर कैपेसिटर इन सीरीज C1 1/C1 + 1/C2, सर कैपेसिटर इन पैरेलल C1 + C2, जो सीरीज का था उसको पैरेलल किया, जो पैरेलल का था उसको सीरीज किया। रजिस्टर इन सीरीज R1 + R2, कैपेसिटर इन सीरीज 1/C1 + 1/C2, उल्टा लग रहा है सर, जो सीरीज का था वो पैरेलल का हुआ, जो पैरेलल का था वो सीरीज का हुआ। सर रजिस्टर इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज, देख रहे हो आप अपोजिट हो गया। सर जो कैपेसिटर इन पैरेलल है वो क्या है सर? C1 + C2 है, और जो सर रजिस्टर इन पैरेलल है वो क्या है सर? 1/R1 + 1/R2 है। आपको भूलना नहीं है, जो रजिस्टर इन सीरीज का है वो कैपेसिटर इन पैरेलल का है, जो रजिस्टर इन सीरीज का है वो कैपेसिटर इन पैरेलल का है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो सीरीज होगा वो पैरेलल होगा और जो पैरेलल का होगा वो सीरीज का होगा। तो आपको भूलना नहीं है, आपको सिर्फ सीरीज और पैरेलल याद करना है रजिस्टर का। रजिस्टर में सीरीज क्या था सर? R1 + R2, और रजिस्टर इन पैरेलल क्या था? 1/R1 + 1/R2। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका अपोजिट कर देना है, जो रजिस्टर सीरीज का होगा वो पैरेलल कर देना और जो पैरेलल का होगा उसको सीरीज कर देना। तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन एक ट्विस्ट मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना है आपको, जो सीरीज का होगा पैरेलल कर देना, पैरेलल का सीरीज कर देना, सीरीज का R1 + R2 और पैरेलल का 1/R1 + 1/R2, ठीक है, उसका अपोजिट कर दोगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा और बिल्कुल सवाल आएगा, आप लिख कर ले लो, ठीक है सर। एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, रजिस्टर इन पैरेलल का ये फॉर्मूला मैंने सामने आपके लिखा, 1/R1 + 1/R2, ठीक है सर। सर ये लिखे हो आप? हाँ बिल्कुल लिखा हूं, और नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा था, बिल्कुल लिखा था सर। ये फॉर्मूला आप यूज मत करना सर, अभी आपने लिखा था ये फॉर्मूला, और आप बोल रहे हो कि इसको यूज मत करना। हाँ जी, आप यूज मत करना। क्यों यूज नहीं करे सर? क्योंकि आप ये करोगे तो आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने में। आप एक तरीका ले लो, आप इस फॉर्मूले को लगाना
आप इस फॉर्मूले को लगाना, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, इससे सॉल्व करने में आसानी होगी, इससे सॉल्व करने में आसानी होगी, आपका आंसर जल्दी आएगा, उसमें लोगे एलसीएम निकालोगे, कंपटीशन का प्रेशर ऐसे ही रहता है, बोर्ड का प्रेशर ऐसे ही रहता है, सवाल गलत हो जाएगा। सवाल गलत ना हो इसके लिए आपको ये लगाना है, सवाल गलत ना हो इसके लिए आपको ये लगाना है। सर अगर ऐसा कर सकते हैं रजिस्टर में तो क्या पैलर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर अगर रजिस्टर में ऐसा किया है तो पैलर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए तो मैंने आपको बोला जो रजिस्टर सीरीज का होगा वो पैलर में चला जाएगा। रजिस्टर सीरीज आपको बस कुछ नहीं करना है, जो सीरीज का था उसको पैलर कर देना है और जो पैलर था उसको सीरीज कर देना है। मतलब सर अगर रजिस्टर का ये है तो कैपेसिटेंस का क्या होगा बताते हैं आपको। तो सर कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये सीरीज का हो जाएगा, ये सीरीज का हो जाएगा। इतनी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही लोग कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है सीरीज का पैलर कर देना, पैलर का सीरीज कर देना। सर मुझे जितनी बातें आपने बताई अभी तक बिल्कुल समझ में आ गई। सर जितनी बातें आपको जितनी बातें आपने बताई है सर बिल्कुल समझ में आ गई। एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस पर सवाल पूछेगा आपसे, वो सवाल है सर रेजिस्टेंस। इस पर भी सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में देखा गया है और सवाल लिख कर ले लो आप, आने जा रहा है। सर ML अपॉन NE² τA, सर ML अपॉन NE² τA, इस पर भी सवाल आपके एग्जाम में देखा गया है और इस फॉर्मूले को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आपको लग रहा होगा, ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ML अपॉन NE² τA। सर M मास है, सर L लेंथ है, सर N नंबर ऑफ चार्जेस जितने दिए रहेंगे, सर E इलेक्ट्रॉन है, सर tau मैं बताऊंगा, सारी बातें आपको समझ, A एरिया है, सर सारी बातें इसमें समझ में आ रही है सर, लेकिन मुझे tau नहीं समझ में आता है। सर ये मास लेंथ ये नंबर्स आपको दिए रहेंगे, E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी रहेगी, सर tau मुझे समझ में नहीं आ रहा है। tau को बोलते हैं द टाइम इलेप्स्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। सर ये लाइन तो मैंने देखी नहीं है, ये लाइन आप एससी वर्मा की जब बुक उठाओगे तब आपको देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं दी है। तो दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, जब भी टाउ आता है, टाउ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, जो सक्सेसिव कोलिजन होता है, द टाइम इलेप्स बिटवीन द टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, द टाइम इलेप्स बिटवीन द टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इज नोन एज टाउ, एंड टाउ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को ही बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। The time elapsed between the two successive electron is known as relaxation of time, that is the tau. Tau को ही बोलते हैं relaxation of time. ठीक है सर, mass length number वाला e electron tau पता ही है और a area. सर मुझे बहुत समझ में आ गया। सर आप बहुत तेज चल रहे हो, मैं सीरीज का नाम ही रखा था रैंडम सीरीज और बहुत तेज चलेगा, एकदम वंदे भारत ट्रेन की तरह चलेगा, फुल एक्सप्रेस में चलेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा हो 0.5 एक्सेप्ट ना, मैं ऐसे ही चलूंगा, मैं हमेशा हाई जोश में रहता हूं। तो आपको ये भूलना नहीं है, जो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई है आप सारे एक चार्ट पेपर पे बना के लिखो, आपको भूलना नहीं है। तो सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ML अपॉन NE² τA। सर रेजिस्टेंस इक्वल टू ML अपॉन NE² τA। अभी तक मैंने बहुत सारी चीज आपको बता दी है, ठीक है सर, ये मुझे समझ में आ गया। सर ये मुझे समझ में आ गया, सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सर मुझे समझ में आ गया। सर R इज इक्वल टू ML अपॉन NE² τA, ठीक है सर, ये मुझे समझ में आ गया। सर ये मुझे समझ में आ गया। सर सर क्या इस पर सवाल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सर अगर इस पर सवाल नहीं बना तो सर किस पर बनेगा? सर अगर इस पर सवाल नहीं बना तो दूसरा बताता हूं आपको तरीका। सर अगर इस पर सवाल नहीं बना, सर अगर इस पर सवाल नहीं बना, सर अगर इस पर सवाल नहीं बना, सर अगर आपको इस पर सवाल नहीं बना, सर अगर इस पर सवाल नहीं बना, सर अगर इस पर सवाल नहीं बना तो किस पर बनेगा? सर R इक्वल टू ML अपॉन NE² τA। सर 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सर 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सर R इक्वल टू रो L बाई ए, R इक्वल टू रो L बाई ए। सर L बाई ए, सर L बाई ए, सर L बाई ए उसमें भी आ रहा है, सर L बाई ए इसमें भी आ रहा है। सर अगर इस पर सवाल नहीं बना तो इस पर बनेगा, अगर इस पर नहीं बना तो इस पर बनेगा, लेकिन सवाल बनेगा, लेकिन सवाल बनेगा। सर R इज इक्वल टू रो L बाई ए, सर R इज इक्वल टू रो L बाई ए, सर R इज इक्वल टू L बाई ए, L बाई ए, सर रो, सर रो, सर रो का वैल्यू ही ये होता है, सर रो का वैल्यू यही होता है, सर रो का वैल्यू यही होता है, M अपॉन NE² τ। आपको कुछ नहीं करना है, L बाई ए को उठाओ साइड कर दो, L बाई को उठाओ साइड कर दो, L बाई को उठाओ साइड कर दो, तो बचा कुचा रो है, बचा कुचा रो है, बचा कुचा रो है, बचा कुचा रो है, तो M अपॉन NE² τ, तो ये रो है। या तो उस पर सवाल बनेगा या तो उस पर सवाल बनेगा, लेकिन सवाल बनेगा,
ठीक है सर, सर मुझे समझ में आ गया, सर मुझे समझ में आ गया, सर सर मुझे समझ में आ गया, सर सर मुझे समझ में आ गया, सर तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, एल बाई ए उसमें भी आ रहा था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एल बाई ए एल बाई ए बचा कुछ रो, एल बाई ए बचा कुछ रो, एल बाई ए बचा कुछ रो, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता दिया, बहुत सारे लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, आपको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है सर, सर बहुत मजा आ रहा है सर, ऐसे ही स्पीड में रखो, आपको भी लिखते रहना है, नोट करते रहना है, ठीक है सर मुझे समझ में आ गया। अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं वो मैं लिख कर दे रहा हूं कि इस पर सवाल बनने जा रहा है, आप कोई भी पीवाईक्यू उठा लो, चाहे कंपटीशन का हो चाहे बोर्ड का हो, वो चैप्टर फिजिक्स का वन ऑफ द डेंजरस चैप्टर उसको लोग बोलते हैं, बहुत ही कम लोग उसको अच्छे से समझा पाते हैं, और उस पर सवाल निश्चित आता है, ऊपर से एग्जाम का बर्डन इतना तगड़ा रहता है कि आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए उसको बताने से पहले मैं चैप्टर का नाम बता दूं, और वाकई आपको भी पता है कि वो चैप्टर सर बहुत ही खतरनाक है, सर उस चैप्टर का नाम है एसी, सर उस चैप्टर का नाम है सर एसी, सर इतनी ठंड चल रही है सर एसी की बात मत करो, एसी से पहले ही डर लगती है, और सर ठंड उतनी ज्यादा चल रही है। तो मैं आपको बता दूं इस पर सवाल आने जा रहा है, इस पर सवाल आने जा रहा है, चाहे आप बोर्ड दे रहे हो चाहे आप कोई भी दे रहे हो एग्जाम, इस पर सवाल आने जा रहा है। सर कौन सा सवाल? उस सवाल को बताने से पहले दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, उस सवाल को बताने से पहले आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, सर फेज डिफरेंस क्या होता है और सर पाथ डिफरेंस क्या होता है। उस बातें को बताने से पहले आपको दो बातें याद होनी चाहिए, सर फेज डिफरेंस क्या होता है, सर पाथ डिफरेंस क्या होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, सर फेज डिफरेंस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सर एक ऊपर एक नीचे, सर एक ऊपर एक नीचे, सर एक ऊपर रह रहा है तो सर एक नीचे रह रहा है, सर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, सर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, सर फेज डिफरेंस समझ में आ गया, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, सर ये ऊपर गया सर ये नीचे आ गया, सर ये ऊपर गया सर ये नीचे आ गया, मतलब कोई फेज डिफरेंस है, मतलब कोई फेज डिफरेंस है। ठीक है सर मुझे समझ में आ गया सर। सर अब बात करते हैं पाथ डिफरेंस, सर अब बात करते हैं पार्ट डिफरेंस, सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये अमीबा है, सर ये अमीबा है, सर ये अमीबा नहीं है, सर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, सर ये अमीबा नहीं है, सर ये अमीबा नहीं है तो क्या है, सर ये पार्क है, सर रैंडम सीरीज चला रहे हो उसमें भी इतने तेज चल रहे हो उसमें भी पार्क की जिक्र कर रहे हो आप, सर रैंडम सीरीज चला रहे हो और सर इसमें भी आप पार्क की जिक्र कर रहे हो और आपका पेपर भी आ गया। हाँ मैं आपको बता रहा हूं, ताकि ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर सको। ठीक है सर, सर इसको आगे करते हैं। ठीक है सर, सर ये क्या है, सर ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, सर ये क्या है, सर मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, सर ये लाइन क्या है, सर ये मेरा घर है, सर ये मेरा घर है, सर मेरा घर है, आपका घर नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, सर ये मेरा घर है, मेरी गर्लफ्रेंड का घर है और मेरी गर्लफ्रेंड के घर के पास मेरा घर है। वाह, इतनी सौभाग्य वाली बात सिर्फ मेरे लिए हो सकती है और किसी के लिए नहीं होगी। सर ये अमीबा है, ये अमीबा नहीं है, सर ये क्या है, पार्क है, सर अमीबा नहीं है, सर पार्क है, सर गर्लफ्रेंड का घर है, सर मेरा घर है, सर ये क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको पाथ डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको पाथ डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं। सर पाथ डिफरेंस कैसे समझ में आएगा, अभी बताते हैं आपको। तो सर पार्क है, वैलेंटाइन डे आ ही रहा है, सर मैं बोला कि आओ पार्क पे मिलते हैं, सर उसका घर पार्क के पास है और उसका घर मेरे घर के पास है या मेरा घर उसके घर के पास है। ठीक है सर, मैं बोला तुम पार्क आओ, ये पार्क आई, लेकिन इसको पार्क पे जाने में थोड़ा कम दूरी लगी और मुझे जाने में थोड़ा ज्यादा दूरी लगी। कितना दूरी लगी, ये इतना चल रही, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन सर इसका घर यहां है और यहां से, लेकिन मुझे इतना दूरी एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, डेल्टा एक्स दूरी मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, डेल्टा एक्स मुझे दूरी एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, और डेल्टा एक्स को ही बोलते हैं पाथ डिफरेंस। अब समझ में आया, सर ये पार्क था, पार्क के पास मेरी गर्लफ्रेंड का घर था और मेरी गर्लफ्रेंड के घर के पास मेरा घर था, मेरी गर्लफ्रेंड पार्क पे गई और मैं पार्क पे गया, लेकिन उससे उसकी दूरी जो थी मुझे एक्स्ट्रा दूरी चलनी पड़ी है, कितनी दूरी मैं एक्स्ट्रा चला हूं, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स, दैट इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस। आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एसी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, एसी, एसी,
एसी, ये सवाल आपके एग्जाम में आने जा रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में लोग बताते हैं, बहुत ही सिंपल में बताऊंगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं इसके पहले आपको बहुत ही डाउट होगा इस टॉपिक में, लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद आपको इस टॉपिक में डाउट नहीं होगा, उल्टे आप लोगों को खिला दोगे इस टॉपिक में। ठीक है सर, सर इसमें पूछेगा आपसे कौन लैग करेगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, कौन लीड करेगा। सर मेरे सामने आ रहा है LCR में जिक्र होगी पहले R की, LCR में पहले जिक्र होगा R की, LCR में पहले जिक्र होगा R की। R में करंट और वोल्टेज सर कौन साथ साथ चलेगा, आप बोल रहे थे ना अभी कौन साथ साथ चलेगा, तो कर करंट और वोल्टेज, 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 करंट और वोल्टेज। सर रजिस्टर में दोनों कसम खाए हुए हैं, सर रजिस्टर में दोनों कसम खाए हुए हैं, सर क्या कसम खाए हुए हैं कि हम दोनों साथ साथ चलेंगे, हम दोनों साथ साथ चलेंगे, हम दोनों साथ साथ चलेंगे, बहुत ही तगड़ी बॉन्डिंग है इन दोनों में, बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है, तो रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। सर दोनों जब साथ साथ चल रहे हैं, दोनों जब साथ साथ चल रहे हैं तो कोई फेज डिफरेंस होगा, नहीं होगा। जब दोनों फेज डिफरेंस, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो कोई फेज डिफरेंस होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सर मुझे ये पता चल गया, मुझे पता चल गया, सर दोनों कसम खा हुए हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे, कौन साथ साथ चलेगा, हम और आप नहीं, हम और आप नहीं, सर कौन कौन, करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज। सर मुझे समझ में आ गया सर, रजिस्टर मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, सर कौन, करंट और वोल्टेज। ठीक है सर, सर इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या करेंगे, सर इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या करेंगे, सर हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। सर आईपीएल आपने सुना होगा, आईपीएल का नाम 2024 में आईपीएल आ ही रहा है, ना जाने आप कितने आईपीएल देख चुके होंगे, कभी पता है उससे बहुत कम लोग होंगे जो रिलेट किए होंगे आपको। मैं बता दूं सर आईपीएल, सर अभी आप गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे, सभी आप पार की बात कर रहे थे, रैंडम सीरीज में आप क्या क्या कर रहे हो, इसका नाम है गोला बारूद सीरीज, एकदम गोला बारूद है ये, पूरा गोला बारूद, हर चीज आपको इसमें मिलेगा, आपको कहां से कहां पहुंचाया जाएगी, आपको पूरे मंजिल तक पहुंचा के लाएंगे हम लोग, पूरे मंजिल तक आपको छोड़कर आएंगे, इसमें हर चीज आपको बताई जाएगी, हर चीज आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड मिलेगी, कोई उधर उधर की बातें नहीं होंगी, हर चीज आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड। सर आईपीएल क्यों बात कर रहे हो, सर सर आईपीएल 2024 में अभी शुरू नहीं हुआ है, डेट मुझे पता नहीं कब से होगा, लेकिन आईपीएल आने वाला है। सर आईपीएल बता रहे हो आप, अभी पार की बात करो, क्या क्या बात कर रहे हो सर आप। सर आईपीएल, आईपीएल सर आई फॉर इंडक्टर, सर पी फॉर पोटेंशियल, सर एल फॉर लीड, लीड, लीड कर रहा है वो, लीड कर रहा है वो, आगे चल रहा है वो, लीड कर रहा है वो, लीड कर रहा है वो, आगे चल रहा है। ठीक है सर, किसकी बात, हमारा नहीं सर, किसकी बात, करंट और वोल्टेज, सर किसकी बात, करंट और वोल्टेज, सर किसकी बात, करंट और वोल्टेज, सर किसकी बात, करंट और वोल्टेज। ठीक है सर, सर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, सर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, सर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, सर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा। सर अगर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है तो कैपेसिटेंस में आप कंफ्यूज कर जाओगे, आप कंफ्यूज कर पाओगे, आप कंफ्यूज कर जाओगे। सर अगर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है तो आपको अभी इंडक्टर पे ही रहना है। सर अगर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है तो करंट, करंट सर लैग करेगा, तो करंट लैग करेगा, तो करंट लैग करेगा, आपको भूलना नहीं है सर। आईपीएल आज के बाद अगर आप भूल भी जाओगे तो आईपीएल आ रहा है, उससे आप रिलेट कर लोगे। ठीक है सर, सर आईपीएल, सर आईपीएल, सर अगर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है तो करंट लैग करेगा। सर अगर दूसरी, पहली चीज लीड करेगी, दूसरी लैग करेगी, आपको सिर्फ एक बात याद करनी है, जब भी डिफरेंस आप याद करो सिर्फ एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है, सर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है मतलब करंट लैग करेगा। अब मैं भूलूंगा नहीं, भूल गए आप तो आईपीएल आएगा उससे रिलेट कर लेना। सर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है मतलब करंट लैग करेगा, मतलब करंट लैग करेगा, मतलब करंट लैग करेगा। मुझे सर आ गया, मुझे आ गया सर कि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा तो करंट लैग करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल याद हो गया। IPL, 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 इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा। अगर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है, अगर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है तो करेंट लैग करेगा। ठीक है सर,
अब मैं भूलूंगा नहीं सर, अब आईपीएल ना जाने सर कितने आईपीएल देख लिए सर, रिलेट नहीं कर पाए थे लेकिन मैंने आपको रिलेट करके बता दिए, ठीक है सर। अब बचता है कैपेसिटर, लास्ट वन कैपेसिटर, ठीक है सर। सर कैपेसिटर में क्या करेंगे, सर कैपेसिटर में क्या करेंगे, CCL कलर्स टीवी, मुझे नहीं पता वो चैनल चलता है या नहीं चलता है, कलर्स टीवी आपने देखा होगा, कलर्स टीवी पर आता था सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, हीरो हीरोइन का, सीरियल वाले का, जितने भी थे उन सबका क्रिकेट होता था। उस चीजों से मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं सर, उस चीजों से मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं सर। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा सर, इंडक्टर में आईपीएल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता था सर, आईपीएल सर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता था, तो सर सीसीएल कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा सर। अगर कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज, सर कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग करेगा सर, कैपेसिटर में अगर करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग करेगा सर, अगर कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग करेगा सर, कैपेसिटर में अगर करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है सर। ये आपको समझ में आ गया, दो बातें मैंने आपको बता दी और दो बातें लोग भूल जाते हैं। रजिस्टर में तो आपको बताएंगे दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों मोहब्बत करते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है सर, ठीक है सर। CCL IPL क्रिकेट, सारी बातें क्रिकेट से याद, सारी बातें क्रिकेट सर। CCL CCL कैपेसिटर में, कैपेसिटर में करेंट लीड कर रहा है, कैपेसिटर में करेंट लीड कर रहा है, कैपेसिटर में करंट 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 लीड कर रहा है सर, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है, मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है सर। आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है सर। अगर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है मतलब करंट लैग करेगा, मतलब करंट लैग करेगा, मतलब आपको दो बातें बस याद करनी है, लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है ये, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर। CCL और IPL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है सर। कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटर में अगर करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग करेगा, और आईपीएल में इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है तो वो वाला लैग करेगा। आपको भूलना नहीं है, दो बातें याद रखना, इसको बस लीड आईपीएल बस याद रखना और सीसीएल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है। सर मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, और आई होप मैं वादा कर रहा हूं जितने लोगों ने ये लेक्चर देखे होंगे आप ये लेक्चर नहीं भूलोगे, आप ये टॉपिक नहीं भूलोगे, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मैं इसका वादा कर रहा हूं। आपको चीजें ऐसे नहीं पढ़नी है कि सर आज पढ़े कल भूल गए, सर पेपर हो गया सर भूल गया, भाड़ में जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं आप आइंदा आज के बाद ये भूलोगे नहीं, और दूसरे को आप समझा भी सकते हो, ठीक है सर, ठीक है सर। ये मुझे समझ में आ गया सर। EMI एक टॉपिक आता है सर, EMI सर एकदम गोला बारूद लेक्चर है सर, एकदम गोला बारूद लेक्चर है सर, एकदम गोला बारूद लेक्चर है, मेरी स्पीड ऐसे ही रहेगी। EMI इस पर एक EMI प्रिंसिपल पूछता है, सोलेनोइड है सर मैग्नेट है, सोलेनोइड है सर मैग्नेट है, या तो तुम मेरे पास आ जाओ या तो मुझे अपने पास ले आओ, या तो तुम मेरे पास आ जाओ या तो मुझे अपने पास ले आओ, मेरी ताकत फिक्स रहेगी लेकिन मेरा प्रभाव, मेरा इफेक्ट या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। सर बढ़ेगा कब, जब पास आएगा सर, घटेगा कब, जब दूर जाएगा सर, बढ़ेगा कब, जब पास आएगा सर, घटेगा कब, जब दूर जाएगा, या तो तुम मेरे पास आ जाओ या तो मुझे अपने पास ले आओ, मेरी ताकत फिक्स रहेगी, या तो तुम मेरे पास आ जाओ तो मुझे अपने पास ले आओ, मेरी ताकत फिक्स रहेगी लेकिन मेरा प्रभाव, मेरा इफेक्ट या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। सर बढ़ेगा कब, जब पास आएगा सर, घटेगा कब, जब दूर जाएगा। तो आपको इस टॉपिक पे भी ध्यान देनी है, इस टॉपिक पे भी आपको ध्यान देनी है सर। इसका फॉर्मूला लिख लो सर, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए दैट इज बी ए कॉस थीटा। आपको ये चीजें नहीं भूलनी है, आपको ये चीजें नहीं भूलनी है, आपको ये चीजें नहीं भूलनी है। एकदम गोला बारूद लेक्चर था ये, एकदम गोला बारूद लेक्चर था, आपको ये चीजें नहीं भूलनी है, आपको ये चीजें नहीं भूलनी है। जाते जाते बस एक लाइन में बोलना चाहूंगा, मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझसे नफरत करने वाले लोग भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना नहीं चाहते मगर मुझ पर नजर रखते हैं, मगर मुझ पर नजर रखते हैं। तो आपको याद रखना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, एकदम रैंडम से चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस है, एकदम इस चैनल का नाम ही है वंदे भारत एक्सप्रेस, तो पूरा आपको एकदम गोला बारूद लेक्चर मिलेगा, और आपको इस लेक्चर को देखने के बाद मैं वादा कर रहा हूं कि आपका बोर्ड का जो दर्द है ना वो खत्म हो के रहेगा। आपका जो बोर्ड का दर्द है ना, कितने खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, आपके बोर्ड का दर्द ये खत्म हो के रहेगा, आपके बोर्ड का
बोर्ड का दर्द ये खत्म होके रहेगा। ठीक है, फिर दम जुड़ते रहना है आपको हमारे साथ, भूलना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा। बोर्ड का दर्द आपका खत्म करके हम रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।